गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों का क्लास 7 चैप्टर 4 हीट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया था, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे उन चीज़ों को हमने देखा था। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग आते हैं इस पैरा पर 4.1 हॉट एंड कोल्ड पर। तो देखते हैं इसके अंदर वो क्या चीज़ या क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो बताना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में वी केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कई प्रकार के ऑब्जेक्ट से रूबरू होते हैं। कुछ तो उसमें गर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ठंडे कौन कौन से, यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ। टी जैसे आपका हॉट होता है, आइस इज कोल्ड। टी आपका गर्म होता है, आइस ठंडा होता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेल 4.1 एंड मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज क्या, हॉट या फिर कोल्ड। अब यहाँ पे जो टेबल आपका दिया था नीचे 4.1 में, इसके बारे में वो कहना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है जरा देख लेते हैं फटाफट से। 4.1 में हॉट एंड कोल्ड में वो बोलता है कि इसके अंदर ये आइसक्रीम कैसा है। आइसक्रीम तो हमें पता है ठंडा है, तो ठंडे पे लगा देंगे। सूप स्पून इन अ टी कप, स्पून का मतलब क्या हुआ, चम्मच। अगर देखिए चाय तो ज्यादा मैं यहाँ गर्म लेके चलता हूँ, ठीक, गर्म मान रहा हूँ कि चाय गर्म थी, तो स्पून क्या होगा, मेटल का होता है, तो वो क्या हो गया, गर्म हो जाएगा। अगर हम फ्रूट जूस की बात करें, ठीक है, फल के जूस की, तो वो कूल ही होता है। और हैंडल की अगर हम बात करें तो उसको कूल में डालेंगे। अब कूल में क्यों डालेंगे, फ्राइंग पैन तो भाई गर्म हो जाता है, ये तो हीट होता है, तो हैंडल को क्यों डाला कूल में, इसलिए डाला क्योंकि आप हैंडल को ज़्यादातर देख के होंगे कि ये वुड से बना होता है या फिर कुछ ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट होता है। ये क्या है, बैड कंडक्टर होता है। तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर नहीं आएगा हीट, उसमें नहीं पहुंच पाएगी, तो वो गर्म नहीं होगा, हम आराम से पकड़ पाएंगे उस हैंडल को। तो इसीलिए हम लोगों ने हैंडल को फ्राइंग पैन के कोल्ड में रखा है। ठीक है, अब आगे क्या वो बोल रहा है ऊपर के पैराज में देखते हैं। डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट, अच्छा डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट, क्या देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट वाइल विच आर हॉट, जो कि गर्म होते हैं उन्हें टच ना करें। ऑब्वियस हम टच करेंगे तो क्या, हाथ जल जाएगा। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव, कैंडल फ्लेम भी गर्म होता है, स्टोव भी, आप जानते हो आग निकल रही होती है, तो ऑब्वियस है वो भी गर्म है। हम अगर उसे छुएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जो हमारा हैंड है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, कुछ तो कोल्ड होते हैं कुछ गर्म होते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, मतलब कुछ तो गर्म होते हैं मगर इनसे भी ज्यादा कुछ और ही ज्यादा हॉटर होते हैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स। जैसे वॉल्केनो ले लेते हैं, नॉर्मल अगर आप पानी देखते हैं तो वो तो नॉर्मल गर्म है, और अगर लावा देखें तो उससे भी ज्यादा वो गर्म होता है। तो कुछ उसी तरीके से ठंडे होते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है आगे देखते हैं। हाउ डू वी डिसाइड व्हाइल व्हिच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार आप ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि ये गर्म है इस वाले से इसके कंपैरिजन में। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम ज्यादातर कैसे देखते हैं, बाय टच, छूकर देखते हैं तो पता चलता है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, वो पूछता है क्या हमारा जो टच का जो सेंस हम सेंस करते हैं किसी भी चीज को, क्या वो रिलायबल है, क्या वो सही देता है आंसर। अब देखते हैं क्या देता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी बनी हुई है 4.1 में। ठीक है, इसको देखते हैं। एक्टिविटी 4.1 में बोल क्या बोल रहा है वो, एक्टिविटी 4.1, देखिए मैं इसको रीड नहीं करूंगा, हर एक्टिविटी को मैं ऐसे ही समझा दूंगा क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। इसमें बोलता है जो ए वाला जो टब है आपका, जिसमें आपका हार्ट डूबा हुआ है, और एक बी वाला टब है जिसमें भी हार्ट डूबा हुआ है, और तीसरा सी जो है उसमें भी हार्ट डुबाया जाएगा बाद में। तो पहले वाले में जो बोल रहा है वो, पहला वाला कोल्ड टब है, इसमें ठंडा पानी है, दूसरे वाले में हॉट पानी है, और इसमें जो पानी है वो कोल्ड प्लस हॉट दोनों मिक्स करके डाल दिया है पानी को, वाटर को। अब क्या होता है, ए वाले में आप सुनिएगा ध्यान से, ए वाले जो कंटेनर है उसके अंदर हाथ आप डुबाते हैं। ठीक है, जब आप उसमें हाथ डुबाते हैं तो क्या होता है पता है, उसके अंदर हाथ डुबाया भोजू ना, और उसको पता चला कि ये तो बड़ा गर्म है, ये ठंडा है, कि वहां पे क्या लिखा है, ठंडा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो ठंडा लग रहा है। मगर अब जैसे ही उसने क्या किया कि दूसरे वाले में हॉट डाला, देखिए इसमें एक राइट हैंड डाला और इसमें बी वाले में लेफ्ट हैंड उसने डुबाया हुआ है, और फिर दोनों को उसने उठा लिया, हटा लिया वहां से हाथ अपने, और दोबारा से दोनों हाथ उसने कहां डुबा दिए, मिक्स वाले वाटर में डुबा दिया। अब अगर वो उसके अंदर मिक्स वाले वाटर में डुबा देगा तो आप ही सोचिए कि क्या उसको फील हो पाएगा कोई चीज। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि क्या ये सच में रिलायबल है हमारा। तो वही देखिए हम यहाँ पे क्या होता है आगे कह रहा है, यहाँ से देखेंगे।
आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द टू मग फॉर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट दोनों हाथ में रखने के बाद, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली मग सी, तो बाद में अपने दोनों हाथों को मग सी में डुबा दीजिए, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक के बाद एक. डू बोथ हैंड गेट द सेम फीलिंग, वो पूछता है क्या जो दोनों आपके फीलिंग जो आपको मिली उससे जब आपने हाथ उसमें डुबाया, क्या वो सेम थी या अलग अलग थी. तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन ये हो जाता है क्या ये सच में ठंडा है क्या ये गर्म है. तो इसके मतलब हमारा जो सेंस ऑफ टच है, ठीक है, ये जो सेंस ऑफ टच हुआ हमारा, क्या ये सही हुआ, हमें सही बता पा रहा है, नहीं नहीं बता पा रहा है. तो इन्हीं सब को अगर सही से मेजर करें, कैसे करेंगे उसी के बारे में आगे कहा गया है. तो भोजू क्या कह रहा है देखते हैं. भोजू सेज माय लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन द मग सी इज हॉट, लेफ्ट वाला जो बोलता है गर्म है और राइट बोल रहा है सेम वाटर को कोल्ड है, व्हाट शुड आई कंक्लूड. तो वो पूछता है मैं इससे क्या निकालूं भाई, इन्फेरेंस बताइए, ऐसे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. तो आगे देखते हैं, तो आगे भोजू को कंफ्यूजन हो गया, तो आगे क्या कह रहा है. भोजू कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. हम अपने किसी भी सेंस पर, सेंस ऑफ टच पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है. तो समटाइम्स इट मे डिसीव, ऑब्वियस है ये हमें डिसीव कर रहा है, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो रहा है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा गर्म है, ठीक है. तो अ रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरेबल डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. तो यहाँ पे हमें एक ये पॉइंट मिल जाता है कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या बोल रहा है, वो हॉटनेस को मेजर करने के लिए बोल रहा है या फिर कोल्डनेस को मेजर करने के लिए बोल रहा है. और कोल्डनेस आप जानते हैं माइनस में होता है, हॉटनेस आपको पॉजिटिव डिग्री में होता है, और ये डिग्री सेल्सियस में इसका नापा जाता है. डिग्री सेल्सियस में क्या नापा जाता है, उसका शब्द होता है टेम्परेचर. और इस टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है, और उस डिवाइस का नाम क्या है यहाँ पर, उस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर. और थर्मामीटर भी आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा होगा, इंट्रोडक्शन वाला जिसका पार्ट वन था बच्चों, उसमें देखा होगा तो मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं. एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, और दूसरा होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, यह मैंने बताया था आप लोगों. तो यही चीज आगे उसने बताई है यहाँ पे. अब वो आगे क्या कहना चाहता है जरा फटाफट देखते हैं आगे पैरा में. तो इसके बाद आपका पैरा आएगा मेजरिंग टेम्परेचर. ये जो मेजरिंग टेम्परेचर है ये आपका मैं नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर डिजाइन कर दूंगा, उसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार आप टेम्परेचर को नापते हैं और क्या डिग्री सेल्सियस, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब चीज़ों के बारे में समझेंगे. ये वाली बड़ी हो सकती है वीडियो, तो आराम से देखिएगा जो इसका थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है. तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सेस, थैंक यू.